हेलो बच्चों आज मैं आपको कक्षा दसवीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर सिक्सटी वन कराऊँगी जिसकी डेट है मेरे पास फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आज की वर्कशीट में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम ऊंचाई एवं दूरी इसके बारे में जानने वाले हैं ठीक है देखो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इस पूरे चैप्टर में मेन है आपकी आकृति अगर आपको आकृति ठीक से बनानी आ गई ना तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आकृति ठीक से नहीं बनाई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है तो आज हम सिर्फ आकृति बनाना सीखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में सीखेंगे ठीक है पहले जल्दी से कुछ यहाँ पर हमारे को रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको देखते हैं क्या है यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं संलग्न चित्र में कौन बी की सम्मुख भुजा डैश है तो कौन बी की सम्मुख भुजा आप देख लो ये एक समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में हम पे तीन चीजें होती हैं एक कर्ण एक लम और एक आधार जो नब्बे डिग्री होता है उसके सामने वाला हमेशा मेरा कर्ण होता है तो सम्मुख भुजा उसके सामने वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी ठीक है कौन सी की संग्न भुजा को डैश कहते हैं कौन सी ये तो इसके साथ वाली भुजा ये वाली है तो इसको क्या कहेंगे ये है मेरा आधार तो इसको कहते हैं आधार ठीक है अब कह रहे हैं कौन सी की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं सम्मुख भुजा मतलब ये सामने वाली ये वाली भुजा है तो ये क्या है ये मेरा है लंब ठीक है इसी के साथ साथ आपको यहाँ दे रखा है दैनिक जीवन में सम्मुख त्रिभुज के कुछ अन्य उदाहरण आप अगर आप डेली लाइफ में देखें ना तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें एक समुख त्रिभुज बन रहा है जैसे कि अगर आप यहाँ पर सॉरी समकोण त्रिभुज बन रहा है जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सीढ़ी लगी हुई है किसी भी दीवार पे लगा लीजिए आप या फिर किसी भी गेट पर लगा लीजिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो समकोण त्रिभुज बना रहा होगा ठीक है या फिर देखो ये जो एक इंसान है ये पेड़ को देख रहा है ऊपर की ओर देख रहा है ये ठीक है तो ये भी एक क्या बना रहा है यहाँ पर समकोन त्रिभुज बना रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो एक ये शिप है और ये टावर है यहाँ ये समकोण त्रिभुज बना रहा है ऐसे ही दैनिक जीवन में आपको और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज बन रहा होगा ठीक है उसके बाद अब हम यहाँ जानते हैं मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं बिल्कुल ढूंढ सकते हैं ना हम इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ठीक है यहाँ पर कौन बन रहा है यहाँ पर एक कौन बन रहा है ठीक है इन सारे कोनों के लिए हम एक <coughs> अलग से टर्म यूज़ करते हैं अब हम उन टर्म्स को जानते हैं उन शब्दावली को जानते हैं कि वो क्या है तो वो दो है एक कौन होता है उन जिसको हम इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं एक होता है आपके पास अवनमन कौन जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं क्या है ये दोनों कौन इन्हीं दोनों कौन पर पूरा चैप्टर बेस्ड है तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा देखिए जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइड जिसे हम बोलते हैं तथा क्षैतिज रेखा मतलब जो नीचे हॉरिजोंटल लाइन होती है के मध्य बनने वाले कोण को उन्न कोण कहते हैं आते है ऊपर की ओर देखने पर उन्न कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है व्यक्ति को प्रेस कहा जाता है देखो जब भी आप कोई भी चीज नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे हो तो आपकी जो आंखों से वो कौन बनना है ऊपर की ओर जो जा रही है लाइन उससे कोण बन रहा है ठीक है तो नीचे से ऊपर की ओर जब भी आप देख रहे हो ना तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण और हमेशा वो क्षैतिज रेखा के ऊपर ही बनता है कोण जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ये जो भी लड़का है ये यहाँ से उसको देख रहा है तो ये जो कोण बन रहा है ये है उन्नयन कोण और ये देखो इस रेखा के ऊपर बन रहा है तो ऐसे ही याद रखना जब भी आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हो जैसे अगर आप ये भी मान सकते हो अगर आसमान में पतंग उड़ रही है तो आप ऊपर की ओर देखते हो ना पतंग को तो नीचे से आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो उस टाइम पे भी उन्नयन कोण ही बनता है तब दृष्टि रेखा तथा शैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं अतः है नीचे की ओर देखने पर अवनमन कौन बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है जब भी आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हो तो एक कोण बनता है आपका वो जो रेखा बन रही है ना उस पर एक कौन बनता है तो उसको बोलते हैं हम अवनमन कोण अब अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो मान लो आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़े हो कोई एक बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पे आप खड़े हो और उस टॉप फ्लोर से आप नीचे पार्किंग में जो आपकी कार खड़ी है ना उसको देख रहे हो तो आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो ना तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो उस पर एक कौन बन रहा है और वो कौन सा कौन बन रहा है वो अवनमन कौन बन रहा है और वो कहाँ बनेगा ऐसे देखो आप ऐसे देख रहे हो नीचे की ओर मान लो आप ये बिल्डिंग है और यहां पर आपकी गाड़ी है तो आप ऐसे देख रहे हो तो ये इस रेखा के यहां पर नीचे बनेगा ये रहा। तो शैतिज रेखा के नीचे बनता है अवनमन कोन शैतिज रेखा के ऊपर बनता है उन्नयन कोन कोण में क्या होता है हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और अवनमन कोन में क्या होता है हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उन्नयन कोण में कहा देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ठीक है क्लियर है चलिए अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि ऊंचाई और दूरी से जो भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो उनके स्टेप्स दे रखे हैं कैसे हल करने हैं तो ये जब क्वेश्चन आएंगे ना हम तभी समझेंगे इन्हें अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं कह रहे हैं उन्नयन कोन एवन अवनवन कोन में दो अंतर लिखे अब आप लिख सकते हो जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो क्या बनता है उन्नयन कौन बनता है और ये क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है अवनवन कोण में क्या लिखोगे जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो जो कौन बनता है उसको बोलते हैं रेखा के नीचे बनता है तो आप एक एक यहाँ से इनकी परिभाषा लिख सकते हैं और एक एक ही शैतिज रेखा वाला पॉइंट लिख सकते हैं क्लियर है दूसरे में कह रहे हैं ऊपर दिए गए उदाहरण तीन के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए उदाहरण तीन में देखते हैं चलो ये रहा उदाहरण तीन कह रहे जहाज और इसमें मीनार में कौन सा कोण बन रहा है तो देखो झाज यहाँ और मीनार यहाँ तो आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो कौन सा कोण है अब तो आप देख के बता सकते हो तो कौन सा कोण है अगर आपको ये दोनों समझ में आ गएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बन रहा है तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है ठीक है नेक्स्ट में कह रहा है निम्न कथन के लिए नाम नामांकित चित्र बनाइए देखो यहाँ पर आपको एक कथन दे रखा है पढ़ते जाइए और चित्र बनाते जाइए पहले मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूँ फिर फेयर फिगर दिखा दूंगी कि कैसे बनेगी कह रहे समुद्र तल से पैंसठ मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा पहले इतना बनाते हैं एक समुद्र तल है तो यहाँ पर मैंने बनाया ये रहा ये राह पर सारा समुद्र तल है पैंसठ मीटर ऊपर एक बिंदु है ये मैंने मानी पैंसठ मीटर ऊपर एक बिंदु है जरूरी नहीं आप इसी साइड लो आप इस साइड भी ले सकते हो ठीक है आगे आपसे क्या कह रहे हैं बादल का आप यहाँ पर खड़े होकर बादल को देख रहे हो मान लो कि ये आपका बादल है तो आप यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हो ठीक है ये तो इसका मतलब आप कौन सा उन्नियन कौन बना रहे हो यहाँ पर तो ये आपका बन गया है यहाँ पर उनियन कौन ठीक है बीटा है ये दे रखा आपको बीटा है बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कौन अल्फा है अब जो ये बादल है ना इसकी परछाई नीचे समुद्र में जा रही है तो जितना ऊपर बादल होगा ना उतनी ही नीचे समुद्र में परछाई जाएगी तो मैंने माना कि ये परछाई यहाँ पर जा रही है यहाँ बन गई वो परछाई पानी के अंदर बनेगी अब आप इसी पॉइंट से इस परछाई को देख रहे हो तो देखो ऊपर से आप पानी में देख रहे हो नीचे की ओर तो ऊपर से नीचे देख रहे हो ना तो आप कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर अब आपका बन रहा है यहाँ पर अवनमन कोण तो ये बन गया तो ये देखो ये रही आपकी वो क्षैतिज रेखा ये तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर है और अवनमन कोण क्षैतिज रे, रेखा के नीचे है ठीक है उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं बादल की कुल ऊंचाई फाइव वन एट मीटर है तो बादल यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है इसकी ऊंचाई ये दे रखी है मुझे फाइव वन एट मीटर सिर्फ आकड़ी बनानी थी जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम बनाते गए मेन है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कौन ऊपर की ओर है और कौन सा कौन नीचे की ओर बनेगा ठीक है अब मैं इसके आपको फेयर फिगर दिखा दूँ यहाँ पर तो ये आपकी फेयर फिगर क्वेश्चन नंबर थ्री की फेयर मतलब मैंने इसमें नाम दे दिया है ए बी सी डी और सब कुछ लिख दिया है अच्छे से बनाई सेम वही फिगर है मैंने क्लियर है चलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी ये वाली सिक्सटी वन नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक like जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू